और एक और बार आपका स्वागत है। और चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस नेता रामनिवास रावत को लेकर अब अटकलें जो है वो तेज हो चुकी है। मंगलवार को बीजेपी में शामिल होंगे रामनिवास रावत, जिनको लेकर ऐसी चर्चा की जा रही है। सूत्रों से बड़ी खबर मिली है कि बीजेपी में कल शामिल हो सकते हैं रामनिवास रावत। तो रामनिवास रावत को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो गलियारों में लगातार चर्चा हो रही है रामनिवास रावत के नाम पर। हालांकि इससे पहले भी चर्चा थी कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस से किनारा काट सकते हैं, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका था क्योंकि दिग्विजय सिंह मनाने के लिए पहुंचे थे और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने मना लिया है दिग्विजय, जो कि उनके करीबी माने जाते हैं। और उसके बाद ये मामला, ये खबर जो है शांत हुई। लेकिन एक बार फिर से अब चर्चा जो है तेज हो चुकी है कि रामनिवास रावत बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। और सूत्रों से जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि रामनिवास रावत अगर बीजेपी में आते हैं तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी पार्टी दे सकती है लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन कल का दिन महत्वपूर्ण है एमपी की सियासत के लिए, राजनीति के लिए, कि आखिर रामनिवास रावत पार्टी को ज्वाइन करते हैं, बीजेपी को ज्वाइन करते हैं या नहीं। क्योंकि सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जब पहुंचेंगे उस दौरान उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी। तो रामनिवास रावत के बीजेपी में आने में मुख्यमंत्री मोहन की भूमिका भी अहम बताई जा रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की भूमिका भी अहम है। बीते दिन नरोत्तम मिश्रा ने वंसल न्यूज पर बयान भी दिया था इसी से जुड़ा हुआ। रामनिवास रावत जो भी फैसला लेंगे सोच समझ कर लेंगे। तो देखिए, जब नरोत्तम मिश्रा ने वंसल न्यूज से बातचीत की थी उस दौरान ये इशारा दिया गया था। और रामनिवास रावत जो भी फैसला लेंगे ये भी कहा था उन्होंने कि सोच समझ कर लेंगे। न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक है नरोत्तम मिश्रा। तो चलिए, क्या कुछ इशारा किया था एक बार वो आपको सुनवाते हैं। मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, समय समय पे हम मिलते रहते हैं और वो अगर कोई निर्णय लेंगे तो सोच समझ के लेंगे, ठीक ही लेंगे। रामनिवास जी मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, समय समय पे हम मिलते रहते हैं और वो अगर कोई निर्णय लेंगे तो सोच समझ के लेंगे, ठीक ही लेंगे। तो देखिए, आप सुन रहे थे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ न्यूज एट शरद जी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, नरोत्तम मिश्रा की आपसे बातचीत हुई थी, न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक है, कहीं ना कहीं ये इशारा जो संकेत उन्होंने दिए थे अब असर उसका आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है लेकिन बंसल न्यूज के पास इसके सूत्रों से कन्फर्म रिपोर्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और तमाम चीजों की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है जी। और हमारी बात हुई बीजेपी के लीडर्स से भी तो उन्होंने भी इसको कंफर्म नहीं किया लेकिन डिनाई भी नहीं किया। लेकिन बंसल न्यूज के पास इसकी कंफर्म खबर है कि वो कल रावत समाज के सम्मेलन में बीजेपी के दिग्गज, बेटा थोड़ी देर रुकना, बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में वो भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लेने जा रहे हैं। बहुत बड़ा झटका, एक और दो दिनों में दो बड़े झटके, कांग्रेस के लिए मुश्किलों का अंत समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये ग्वालियर चंबल के एक बड़े नेता की कांग्रेस से विदाई निश्चित तौर पर उस इलाके में खासतौर से मुरैना सीट के समीकरणों पर असर डाल सकती है जी। रामनिवास रावत को लेकर एक बार फिर पहले भी चर्चा हुई थी शरद जी, लेकिन उस समय कहा जा रहा था कि उनके करीबी ने उन्हें रोक लिया दिग्विजय सिंह की। तो क्या इस बार भी प्रयास किए जाएंगे क्योंकि आज की रात महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि चर्चा के कुछ पहलू, कुछ बिंदु अधूरे रह गए थे और उन अधूरे बिंदुओं की पूर्ति होने पर ही रामनिवास रावत जी अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व बीजेपी में मिल सकता है, मिलेगा ही, और वो सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई, जब स्पष्ट हो गई तब वो आगे बढ़ चलेंगे जी। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शरद जी तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रामनिवास रावत कल पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन मुरैना प्रत्याशी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं एक बार आपको ये भी उनकी प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं कि आखिर सत्यपाल सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगर वे जा रहे हैं तो क्या मजबूरी रही होंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ भी रहे ठीक रहे और वो अच्छे राजनेता थे। अब कुछ भी मजबूरियाँ हुई होंगी क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोगों को डर दिखाकर, भय दिखाकर, लालच दिखाकर अपनी ओर लेने वाली है, मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या है।
तो लोकतंत्र की हत्या ऐसे बताया जा रहा है, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ उमेश भी जुड़ चुके हैं। उमेश, आज कांग्रेस के लिए बड़ा झटके वाला दिन रहा है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार झटका लगा हो, आए दिन ये झटके लग रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि कल एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल साक्षी, आपने सही कहा कि जो रामकृपाल रावत है वो कांग्रेस के कद्दावर नेता है और तकरीबन 6 बार के विधायक है, और जो रावत समाज से आते हैं और रावत समाज की विजयपुर और सोपुर जो है जो विधानसभा है, और अगर मुरैना लोकसभा की बात की जाए तो खासी दखल है समाज की, और यही वजह की लगातार जो है वहाँ वो जीतते आ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से लगातार रामनिवास रावत की कांग्रेस से नाराजगियां हैं और अब वो नाराजगियां खत्म होने वाली है, कल का जो दिन है वो महत्वपूर्ण दिन है और उसमें रामनिवास रावत बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और ये बिल्कुल पुख्ता सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। तकरीबन 12 बजे जो सीएम का कार्यक्रम है, रावत समाज के कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे और उसी समय रामनिवास रावत बीजेपी का दामन थामेंगे। और देखिए, इसमें 2-3 प्रमुख कारण मैं आपको बता दूं। जिस तरह से जब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बने थे जीतू पटवारी, उस समय जो है रामनिवास रावत का नाम पहले चल रहा था, लेकिन रामनिवास रावत को ना बना के उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया, तभी से ये जो नाराजगी है वो शुरू हो गई। और उसके बाद जो है लोकसभा मुरैना लोकसभा से सत्यपाल सिकरवार को जब टिकट दिया था तब भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बाहरी प्रत्याशियों को कांग्रेस नहीं खेलेगी, और अगर बाहरी प्रत्याशी कोई भी आता है तो उसका विरोध जरूर होगा और हम भी विरोध करेंगे, साथ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी विरोध करेंगे। और ऐसा ही हुआ, नीटू सिकरवार को कांग्रेस ने अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया मुरैना से, और उसके बाद लगातार जो है रामनिवास रावत की नाराजगियां हैं वो और बढ़ने लगी, और अब नाराजगी यहां तक आ गई कि अब वो बीजेपी का दामन कल थामने वाले हैं, सीएम उनके साथ शामिल होंगे और उसके साथ ही तमाम जो है रामनिवास रावत के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ शामिल हो सकते हैं। और एक और इसमें मैं आपको बता दूं, एक और खास बात है साक्षी, कि अगर रामनिवास रावत को यहाँ पर शामिल किया जाता है बीजेपी, तो लोकसभा चुनाव के बाद उनको निश्चित तौर पर ही एक बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। अब थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा और तकरीबन कल 12 बजे ये स्पष्ट हो जाएगा कि रामनिवास रावत बीजेपी का दामन थामते हैं, और उसके बाद कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है वो भी लगातार सामने आएंगी। लेकिन कल का दिन महत्वपूर्ण दिन है और कांग्रेस को एक ग्वालियर चंबल में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि रामनिवास रावत ग्वालियर चंबल के एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। बिल्कुल उमेश, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। और बड़ी अपडेट आपको बता दी कि कल 12 बजे सूत्रों से जो बड़ी जानकारी मिल रही है, कल 12 बजे रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी से किनारा काट लेंगे और बीजेपी को ज्वाइन करेंगे।